नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेथोट्रेक्सेट। सो ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं बहुत बार जब भी उनको मेथोट्रेक्सेट की दवाई दी जाती है। तो मरीज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि डॉक्टर साहब, सुना है कि ये दवा कैंसर की दवा है, तो क्या मुझे लेना चाहिए? मेथोट्रेक्सेट सही में कैंसर की दवा है, लेकिन उसका जो डोज होता है बहुत ही हाई होता है। कैंसर के डोज में 1000 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम या उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 1940 से ही कैंसर के ट्रीटमेंट में ये दवा यूज़ की जाती है, लेकिन जो रूमेटोलॉजिस्ट गठिया के लिए आपको देते हैं दवा, वो बहुत ही कम होता है। वो 7.5 से 25 मिलीग्राम, वो भी वंस वीकली होता है, हफ्ते में एक ही दिन होता है। सो डोज जो होता है बहुत कम होता है। तो इस लो डोज में, जिसको हम लो डोज मेथोट्रेक्सेट बोलते हैं, गठिया का जो सूजन होता है, दर्द होता है, या ऑटोइम्यून बीमारियों का जो दिक्कतें आती हैं, उसको काफ़ी अच्छे से ये दवा कंट्रोल करता है। सो दूसरा क्वेश्चन जो मरीज मेरे से पूछें कि सर, मैंने सुना है कि मेथोट्रेक्सेट बहुत ही सीरियस लीवर फेल करवाता है, तो क्या ये सही है? मेथोट्रेक्सेट जो सीरियस लीवर फेल करवाता है, वो यूजुअली हाई डोज कैंसर के मरीजों में देखा गया है। तो इसीलिए वो कहीं से गूगल या कुछ सुन लेते हैं, वो गूगल करके, कि उन लीवर फेल सीरियस हो जाता है। जो जिस डोज में गठिया में यूज़ किया जाता है या रूमेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, उससे लीवर फेलवर बहुत ही रेयर है। सो वो जनरली हम नहीं देखा जाता है। बहुत ही सेफ ड्रग है ये, 90% लोगों में बहुत अच्छे से टॉलरेट किया जाता है इस लो डोज में, जो कि गठिया में यूज़ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मरीज मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, इसके तो बहुत ही हॉरिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सुना है लीवर फेल, किडनी फेल, या बहुत ही बोन मैरो का सप्रेशन होता है। ये भी बहुत ही हाई डोज में होता है, या कुछ मरीज गलती से ये दवाई डेली ले लेते हैं, तो उनमें जानलेवा हो सकता है। सो कभी भी ये दवा डेली ना लें, ये हफ्ते में एक ही दिन लेना होता है, और जिस डोज में आपके डॉक्टर दे उसी डोज में लेना चाहिए। गठिया में जनरली बहुत कम डोज में हम यूज़ करते हैं, उससे इतने हॉरिबल कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते हैं। और बीच बीच में देखा होगा आपने कि डॉक्टर ने आपको लीवर की, किडनी की, और CBC ब्लड सेल्स टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, तो मॉनिटरिंग भी रेगुलर हम करते हैं इस दवा पे। तो वैसे मॉनिटरिंग करने से इस दवाई का जो हॉरिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कभी नहीं देखे जाते हैं। वो कैंसर में जो यूज़ किया जाता है बहुत हाई डोज में, वहाँ साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट पूछते हैं कि ये दवाई तो जब गठिया बहुत बढ़ जाए तभी लेनी चाहिए, अभी सर मुझको तो हल्का दवा है, तो हल्की कोई दवाई दे दीजिए। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गठिया बाई का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दवा है, एंकर ड्रग है। आपको जब भी ये स्टार्ट हो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये दवाई सबसे बेस्ट होते हैं। गठिया का जितना ही जल्दी कंट्रोल किया जाए उतना ही अच्छा होता है। बाद में ये दवाइयाँ कम काम करती है जब गठिया बहुत फैल जाता है। तो जैसे ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरे गठिया का डायग्नोसिस हो, तो ये दवाई एज सुन एज अर्ली स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी बहुत है तभी ये स्टार्ट होती है, फर्स्ट लाइन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट मेरे से पूछते हैं वो क्या है कि सर, दवाई लेने के बाद मैं बहुत अच्छा हो गया, क्या आप दवाई तुरंत बंद कर दूँ? और ये बंद भी कर देते हैं बहुत बार, उनको लगता है अब तो गठिया कंट्रोल हो गया, दवा बंद कर देते हैं। सो ये दवा का एक्शन आने में 4 से 8 हफ्ते लगते हैं। जब आप अच्छा फील करते हैं, गठिया कंट्रोल में हो जाता है, तो होता क्या है कि आप दवा मिस कर देते हैं कि अब तो मैं ठीक हूँ तो क्यों दवा लेना। लेकिन होता क्या है कि ये दवाई की मात्रा आपके शरीर में रहती है और धीरे धीरे जाती है, और 1 से 3 महीने के बाद फिर से आपका गठिया वापस आ जाता है। तो आप जब फील बेटर कर रहे हैं, आपकी गठिया कंट्रोल में है, तो कृपया करके ये दवाई अपनी मर्जी से ना बंद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट पूछते हैं कि अगर मैं मेथोट्रेक्सेट ले रही हूँ तो आगे फ्यूचर में मेरा बच्चा नहीं होगा, ऐसा काफ़ी फीमेल्स पूछती हैं। ऐसा नहीं है। जब भी आप मेथोट्रेक्सेट ले रही हैं, तब उस समय प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना है, लेकिन मेथोट्रेक्सेट जो बच्चा होने की क्षमता होती है उसको कम बिल्कुल नहीं करता। आप 3 महीने के बाद, अगर आज दवा आप बंद करते हो, तो 3 महीने के बाद सेफली बच्चा प्लान कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब भी आप ये दवा ले रहे हैं, तो उस समय बच्चा प्लान, या अगर आप बेबी को फीड कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पेशेंट का कि
क्या जो मेल मेथोट्रेक्सेट ले रहे हैं, कुछ मेल पेशेंट मेथोट्रेक्सेट लेते हैं, तो उनको भी फैमिली प्लान करना चाहिए या नहीं, जबकि उनके पार्टनर को कोई बीमारी ना हो तो। लो डोज मेथोट्रेक्सेट जो हम डोज में देते हैं उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप प्लान कर सकते हैं, उससे आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरूरी है अगर कोई फीमेल ले रही हैं तो बिल्कुल प्रेगनेंसी प्लान ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्या मैं बिल्कुल दारू बंद कर दूं अगर मेथोट्रेक्सेट ले रहा हूं तो, एक भी ड्रॉप ना लूं? बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनको मन करता है ये पीने का, दारू दवाइयां लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। देखो आप अल्कोहल डेली लोगे तो साथ में मेथोट्रेक्सेट लोगे तो लीवर ख़राब होता है, तो ऑब्वियसली हम मना करते हैं कि आप दारू बंद कर दो तो अच्छा है, लेकिन हाँ ओकेजनली लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओकेजनली वंस वीकली और ट्वाइस वीकली मैक्सिमम इन लिमिटेड डोज 1 से 2 पैक आप ले सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बेस्ट आइडियल कंडीशन होता है कि आप छोड़ दो तो अच्छा है। अगला क्वेश्चन है कि सर मेथोट्रेक्सेट क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गठिया जड़ से खत्म हो जाती है? ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। मेथोट्रेक्सेट एक दवाई है रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन कोई भी आज तक दवा नहीं बनी है जो बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, कुछ दवाइयों से आपको कंट्रोल करके आपको रेगुलर अपने जीवन में एक्टिव रहना है। अगर आप छोड़ देते हैं दवा तो बहुत दिक्कतें आती हैं और आप व्हीलचेयर बाउंड भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो होता है पेशेंट्स का, वो पूछते हैं कि क्या मेथोट्रेक्सेट से मेरी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी? नहीं, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। कुछ दवाइयाँ इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, स्टेरॉयड इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है स्टेरॉयड से, लेकिन मेथोट्रेक्सेट इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, आपके जो एबनॉर्मल इम्यून सेल हैं उसको नॉर्मल करने की वो कोशिश करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट मेथोट्रेक्सेट नहीं है। तो ये सारे मिथ्स जो समाज में फैले हैं, आज मैंने इसका सही जवाब दिया, क्या साइंस है, क्या रियल फैक्ट है वो बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं उसको मैं सब कुछ अच्छे से सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।